नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, गाजीपुर का एरिया है जहाँ पे हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मेरे साथ कुछ किसान नेता, इनसे हम बात करेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति है। क्या नाम है आपका? मैं शिवराज सिंह यादव हूँ, जसराना फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से आए सर। आज मोदी जी ने एक उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, उन्होंने किसान ट्रेन चलाई है और किसान यहाँ पर सड़कों पे आंदोलन किए हुए हैं, जबकि उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि ये कानून आप लोगों के यानी किसानों के पक्ष में है, आप लोगों का इससे हित होगा। मोदी जी ने आज किसान केंद्र का उद्घाटन किया है। बात भद्दी है, कहना नहीं चाहता, पर मुझे कहनी पड़ेगी। गाँव में एक कहावत है, बोई छिनरे और बोई डोली के संग। ये मोदी सरकार जो कल भी मोदी सरकार की तरफ से बयान आया है कि हम MSP का वादा तो करते हैं, किसान को भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन एक्ट का भाग नहीं बनाएंगे, एक्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, यानी एक्ट में समाहित नहीं करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपकी मनसा साफ है, जब आपके दिल में बेईमानी नहीं है, जब आप किसी चालबाजी से ग्रसित नहीं है, आप पूरे मनोयोग से MSP किसान को जारी रखना चाहते हैं और पूरी देना चाहते हैं, तो एक्ट का भाग बनाने में आपको क्यों ऐतराज है और क्या ऐतराज है, ये किसान जानना चाहता है। आपने उद्योगपतियों के कहने पर उनके मंसूबे पूरे करने के लिए आपने इतना लंबे चौड़े एक नहीं तीन तीन एक्ट बना दिए। सर एक सेकंड में रोकूंगा आपको। आपने बोला कि उन्होंने वादा कि वादा कर रहा हूँ लिख के नहीं दूंगा, लेकिन वो तो बोले कि हम लिख के देने के लिए तैयार है MSP को। आप एक्ट बनाइए और उस एक्ट में, सुनिए मेरी बात को, उस एक्ट में लिखिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पड़ी हुई है, धूल खा रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट को घेरा है, पार्लियामेंट को रोका है, देश में तमाम हो हल्ला बरसों किया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, देश में मोदी प्रधानमंत्री है, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जस के तस लागू कीजिए। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उसमें क्या है जो किसान मांग रहा है। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो MSP का निर्धारण हो उसमें किसान की जुताई, किसान की कटाई, किसान की गुड़ाई, किसान की भराई, किसान की निकाई, किसान की दवाई, उसका बीज, उसका खाद, एक पार्ट, पूरा नहीं है, एक पार्ट। इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग ने कहा है कि किसान की स्वयं की मेहनत, उसकी पत्नी की मेहनत, उसके बच्चों की मेहनत, जो सुबह 5 बजे से 4 बजे से खेत में पहुंच जाता है और रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे उसे पता नहीं है, कभी कभी तो रात भर किस खेत में पानी लगाता है, उसकी मेहनत को भी उसमें जोड़ लीजिए और दोनों को, उसकी लागत और उसके बच्चों की और उसकी खुद की मेहनत को जोड़िए और उसके बाद जो निर्धारण आएगा इस मानक के आधार पर, तो उसको MSP बनाइए। नंबर वन तो ये कहना चाहता है किसान। मैं जानता हूँ, मैं किसान के लगातार दशकों से किसान के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक पार्ट मेहनत का और एक पार्ट लागत का जब किसान का लगा लिया जाएगा तो गेहूँ का MSP उसी क्षण 5,500 रुपये 6,000 रुपये हो जाएगा, जो बेईमान लोगों ने आज तक किसान को नहीं दिया है। एक बात ये कहना चाहते हैं कि ये तो निर्धारण का वो कर लीजिए, दूसरा एक्ट बनाइए और उसमें ये लिखिए कि इस जो भी निर्धारण हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा 6,000 होगा, जो भी उसके गेहूं का, गन्ने का, दाल का, चावल का, जो भी MSP का निर्धारण हो जाएगा, उसमें एक्ट में ये प्रावधान कीजिए कि जो भी लाला जो आ रहे हैं संभावित, जो मोदी के दोस्त लोग जो आ रहे हैं, जिनके लिए बिल बनाए गए हैं, उसमें प्रावधान कीजिए कि जो भी लाला MSP से नीचे खरीदता पाया गया उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी और उसकी जगह सीखचों के पीछे होगी। किसान आंदोलन में छोटा सा कार्यकर्ता कहता हूँ, वापस लेगा आज ही, एक्ट में लिखिए इसको, नंबर वन। नंबर टू, आपने कह दिया कि निर्धारण, आपने कह दिया कि अब भंडारण पर कोई लिमिट नहीं होगी। कालाबाजारी वहाँ शुरू होती है जहाँ असीमित भंडारण हो जाता है, चाहे प्याज हो, चाहे दाल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो। सुन लीजिए मेरी बात को, तो भंडारण जो असीमित आपने जो उसको हटाया है, उस पर कर दीजिए कि जो पहले कानून था कि जो असीमित भंडारण करेगा वो भी जेल जाएगा। और तीसरी बात एक और कहना चाहता हूँ। सर एक मिनट में एक सवाल है मेरा, जब आपने बोला कि असीमित भंडारण नहीं कर सकते हैं तो जो प्राइवेट मंडियाँ आएंगी जी, वो आपसे खरीदेंगी, अगर उनका वो भंडारण नहीं करेंगी तो वो मुनाफा कैसे कमाएंगी? मैं कब कह रहा हूँ भंडारण नहीं करें, 200 कुंटल, 400 कुंटल, 1000 कुंटल खरीद ले, सारे देश का गेहूं जब वो खरीद लेंगे, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पर भी चोट आएगी, आप पर भी सवाल आएंगे
कि जब भंडारण असीमित हो जाएगा तो किसान तो मर चुका पहले, उसको पैसा नहीं मिला, उसके बाद मजदूर मरेगा, उसके बाद आम शहरी मरेगा, उसके बाद आप और हम जैसे लोग जो रोटी खाना चाहते हैं, जब असीमित भंडारण 12-14 लालाओं के यहाँ हो जाएगा तो वो कहेंगे 200 रुपये किलो बेचेंगे आटा, आपको रोटी खानी है तो खरीदिए और नहीं खाने तो मत खरीदिए। तो किसान तो फिर भी बच जाएगा, भूखा रहना उसे आता है, लेकिन मैं सचेत करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ मजदूर से, आम शहरी से, आम लोगों से कि तुम जो चुप बैठे हो कि आज किसान की लूट का मंसूबा बनाए, वो किसान की अकेले लूट का मंसूबा नहीं है, वो मजदूर की लूट का भी मंसूबा है, वो आम शहरी की लूट का भी मंसूबा है, जो आम लोग हैं देश के वो सारे लोग लूट जाएंगे, क्योंकि ये किसान को 900 रुपये 1200 रुपये कुंटल में गेहूँ खरीदेंगे। और जब भंडारण रूप असीमित होगा तो मई जून जुलाई अगस्त खरीदेंगे और सितंबर के बाद कहेंगे 150 रुपये कुंटल 200 रुपये कुंटल आटा बेचेंगे, गेहूँ बेचेंगे, तब आप जैसे और मेरे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। सर जैसे कल वार्ता होना है, सरकार की तरफ से भी आ गया है, किसानों को भी पत्र आ गया है कि कल दोबारा से किसानों और सरकार के बीच में वार्ता होगी, तो इस समय किसान यूनियन के नेता जो किसान संगठन, उन्होंने क्या अपनी रणनीति बना रखी है कि सरकार से बात बन जाए? हमारी तो रणनीति कुछ है नहीं, हाथ जोड़े खड़ा है किसान, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसान हाथ जोड़े खड़ा है, किसान आपने खंदक खुदवा दिए उनको पार करता हुआ, आपने पानी की बौछारें की उनको पार करता हुआ, आपने उस पर लाठीचार्ज किया, बच्चे पड़े हैं वहाँ पर और वो दिल्ली बॉर्डर पर है, उसे कोई शौक नहीं है, वो अपने घर जाना चाहता है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता है कि उसका शिकंजा, उसकी गर्दन किसान की, जो आपने व्यापारी उद्योगपति के यहाँ गिरवी रखने का मंसूबा बनाया है, उसको वापस लीजिए। सारी बातों पर किसान तैयार है, इन तीनों बिलों को रिजेक्ट कीजिए, जो आपने किसान की गर्दन को भी रख दिया है उनको वापस लीजिए, और उसके बाद एमएसपी पर बात कीजिए, असीमित भंडारण पर बात कीजिए, एमएसपी के निर्धारण पर बात कीजिए, किसान तैयार है, किसान को कोई किसान का कोई एजेंडा नहीं है, किसान का एजेंडा जान बचाना, किसान का एजेंडा अपनी जान बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है, किसान कोई प्रधानमंत्री की तरह कोई वहाँ पर बुखार है, किसान बेचारा किसी तरह अपने अति उसको बचाना चाहता है, अस्तित्व को बचाना चाहता है, कोई एजेंडा नहीं है, तैयार है, हाथ जोड़ के तैयार है, लेकिन तीन बिलों पर कोई समझौता नहीं, तीन बिलों पर जो काले कानून हैं, जो उद्योगपतियों के कहने पर ये बिल संसद में नहीं बने, ये बिल मोदी ने नहीं बनाए, ये बिल इस देश के 20-22 घराने हैं, उन्होंने तैयार करके मोदी के हाथ में दिए हैं कि इनको पास कराओ संसद से, उसके बाद सारे देश का किसान हमारी मुट्ठी में होगा। स्वामीनाथन आयोग पर बात कर लीजिए, किसान तैयार है। सर सरकार का आरोप है कि ये जो किसान जिस भाषा का प्रयोग करें, जिस भाषा में बात करें, ये कांग्रेस की भाषा है। कांग्रेस कहाँ है, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया बुद्धिजीवी वर्ग है और आप जैसे बुद्धिजीवी जहाँ भरे उसमें खड़े हैं किसान के आंदोलन में, तो कैमरा घुमा के मुझे ढूंढ के कांग्रेस ही बता दीजिए। कई नेता आए और यहाँ पे भाषण देके चले गए। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जो कांग्रेसी नेता है, जो सपा का नेता है, जो भाजपा का नेता है, वो क्या अवतरित होके आए इंद्र के यहाँ से? वो सब किसान, ज्यादातर किसान के बेटे हैं, और जो भी किसान का बेटा है उसको दर्द है, वो बाई चांस सुनिए, मेरा एक सवाल है, वही कांग्रेस है जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यही सेम बिल को इम्प्लीमेंट किया था कि वो जब भी सत्ता में आएंगे ये सेम बिल लेके आएंगे, तो किस तरह से वो किसान के हितैषी हो गए? अगर सुन लीजिए मेरी बात को, मैंने सुन लीजिए मेरी बात को कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने बोला था राजस्थान में चुनाव से पहले कि जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आती है 8 से 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा बिल और जो भी बकाया माफ करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल किसानों के कंधे पर। ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से कीजिए आप, ये मेरा जो बीच में आते हैं, मेरे बीच में अगर वो हमारे किसान के बीच में किसान बन के आएंगे स्वागत है, कांग्रेसी बन के आएंगे तो हम उनको बात भी नहीं करने देंगे। जो भी आ रहा है वो किसान बन के आ रहा है, किसान का बेटा है, आ रहा है, वो जब आता है यहाँ पर तो किसान वाला कांग्रेस वाला पल्ला मार के आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोहरी और दोगली राजनीति है जो कांग्रेस की? हाँ, इसको कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल कीजिए, बेहतर जवाब देंगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का बंदा नहीं हूँ, मुझसे सवाल बात मत करो। नहीं, पार्टी की बात नहीं करो, वो यहाँ पे आके इस आंदोलन का राजनीतिकरण करना चाहते हैं ना, मैं उस पे सवाल कर रहा हूं। किसान किसी भी कीमत पर किसी को कोई राजनीतिकरण नहीं करने देगा। आप किसान का जज्बा और जुनून आप देख रहे हैं, किसान किसी को राजनीतिकरण नहीं करने देगा। इस प्रांगण पर जहाँ किसान आंदोलन कर रहा है वहाँ किसी को राजनीति नहीं करने देगा। दूसरा सवाल ये, आप लोग बोल रहे हैं कि ये तीनों बिल
आप जब तक वापस नहीं लेंगे, सरकार बोल रही है कि इन तीनों बिल में हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो भी बात कहां पे अटक रही है? संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, किस बात में संशोधन करेंगे? क्या 22 लालों के घरानों के नहीं 20 के यहाँ रखेंगे गिरवी? किस में संशोधन करेंगे? ये जो बिल हैं वो किसान के वजूद को, किसान के अस्तित्व को किसी के यहाँ गिरवी रख के उसे बधुआ बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या संशोधन करेंगे? क्या 20 लोग बधुआ बनाएंगे, 20 घराने या 10 घराने? इससे किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसान में बधुआ हो गया, ये बधुआ हो गए, ये बधुआ हो गए, तो चाहे तो 20 लोगों के बधुआ हो जाए या 10 लोगों के बधुआ हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अभी अभी कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ, मोदी जी ने किसान को शमशान पर ले जाके खड़ा कर दिया है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मोदी जी ने किसान को शमशान पर ले जाके खड़ा कर दिया, और किसान से सवाल कर रहे हैं कि एक चिता वो जल रही है, एक अधजली है, एक बुझ गई है, राख हो गई है, बताओ किस में बैठोगे? और किसान क्या कह रहा है? किसान हाथ जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि मोदी जी शमशान से वापस ले चलिए हमें, हमें खेत की तरफ ले चलिए, हमें खलिहान की तरफ ले चलिए, हमें गांव की तरफ ले चलिए, हमारी उपज की बात कीजिए, हमारे MSP की बात कीजिए, हमारे बच्चों की खुशहाली की बात कीजिए। अब आप ये कह रहे हैं कि किसान उनकी माने तो शमशान पे तो उन्हें दे दिया ऑप्शन कि जलती हुई में बैठ जाओ, अधजली में बैठ जाओ, तमाम शमशान में चिताएं हर पल जलती हैं, वो शमशान पे ले जा खड़ा कर दिया है। मोदी जी ने किसान को उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने के लिए पहुँचा दिया है। अब मोदी ये कह रहे हैं बताओ 20 घरानों पर रखे या 10 पर रखे, हमारी बात करो। उद्योगपतियों को आप क्या देना चाहते हो? आपने सारा देश दे दिया, तमाम लोग, मैं नहीं जाना चाहता, फिर आप कहेंगे राजनीति होने लगी है। मैं नहीं जाना चाहता कि देश के क्या हाल हो गए, मोदी जी के मित्रों ने इस देश को पूरा लूट लिया, उसके खेत खलिहान को तो बचा रहे दो, ये कह रहा है किसान। सर आगे अगर कल बात सरकार से नहीं बनी तो भी आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या दिल्ली कूच करेंगे आप लोग? किसान बड़ी शांति से, बड़े अदब से, पूरे अमन रखते हुए और पिटता हुआ लुटता हुआ यहाँ तक आया है, पूरे देश से चलता हुआ, और आज भी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। आप कहते हो ये अनपढ़ है, इसे लोग बरगला देते हैं, इसको अकल नहीं है, ये एक्ट पढ़ना नहीं जानता, ये जानता नहीं है, हमें सब मंजूर है, लेकिन उसके बावजूद ये किसान राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन होते हैं, तमाम क्षति होती है, तमाम नुकसान होते हैं, ये किसान अभी पूरे अदब के साथ, पूरे अमन के साथ, पूरी शांति के साथ और लाखों लाखों की संख्या में एक एक बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, और अभी उसने कोई सरकार को, सरकारी संपत्ति को, देश को नुकसान तो करना बहुत दूर की बात है, जो भी जगह जगह कहीं हुई है छुटपुट घटनाएं, वो BJP के दलाल हैं, BJP के भेजे हुए लोग हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर किसान लाखों में पड़ा है, एक किसान ने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की है। हम फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर कल बात नहीं बनी तो मोदी जी इस किसान के धैर्य की परीक्षा मत लो, बस ये कहना चाहते हैं, इसके धैर्य की परीक्षा मत लो, महीनों हो गए इसको संघर्ष करते हुए, इसके बच्चे कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं और किसान कहाँ पड़ा हुआ है, इसके धैर्य की परीक्षा मत लो, इस गरीब को बख्श दीजिए, किसान की गर्दन उद्योगपति के हाथ में मत दो, बस इतना कहना चाहते हैं। और वो तब तक किसान डरा हुआ जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं हो जाते। किसान तीनों बिलों को कह रहा नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप जैसा कि देख सकते हैं गाजीपुर का बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं, जिधर तक आप कैमरा हमारा जा सकता है आप देख रहे हैं, इधर जो गाजियाबाद की तरफ रोड जाता है और दूसरा ये दिल्ली की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा मजमा लगा हुआ है और किसान किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।